हाँ बोलो। हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत दिन हो गए हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई आप लोगों से बातचीत नहीं की। बस ऐसे ही अचानक से गांव जाना पड़ गया और बहुत आना जाना लगा रहा, उसकी वजह से बहुत दिन हो गए कोई वीडियो ही नहीं बन पाया। तो कभी कभी सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमेशा सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, तो बस इसी वजह से कहीं कुछ लगा रहा, कहीं आना जाना हो गया, कहीं कुछ हो गया। फिर दिव्या बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, तो बस इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है बहुत दिन से वीडियो नहीं बन पाया। वो पता है कि हमें रूम भी चेंज करना था, तो उस रूम के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा जो है लेट हो गया, क्योंकि रूम नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से फिर रूम मिला, तो हम लोगों ने संडे को रूम शिफ्ट किया। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि दिव्या भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। मेरा वीडियो का बाकी का जो काम है हम तो बस बना ही पाते हैं, बाकी का जो सारा काम है तो दिव्या को ही करना था। बस इसीलिए बस कुछ ना कुछ कारण बनते गए और वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन सच में इतने दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने आप लोगों को याद नहीं किया। वो बहुत मिस किया हमने भी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कितना हमें प्यार करते थे, कितने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते थे, तो बहुत हमें याद आई इन दिनों में आप लोगों की। लेकिन बस कुछ ऐसा ही मतलब उलझनों में उलझे रहे, कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ फिर रूम के चक्कर में परेशान हो गए। तो हमने सोचा कि अब एकदम से जब फ्री हो जाते हैं तभी से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो अब सब कुछ जो है काम वगैरह भी एकदम लेवल पर आ गया है, तो रूम भी मिल गया है और रूम हमने शिफ्ट भी कर लिया है। तो बस यही है कि एक दिन जो है छोटा सा वीडियो रूम का बनाया भी था दिव्या ने, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा नया घर कैसा लगा, और पूरी कोशिश करेंगे कि अब से जो है हमेशा से डेली वीडियो आप लोगों के लिए, रोज़ वीडियो आप लोगों के लिए बना के भेजें। रोज़ बनाएंगे आप लोगों के लिए एक वीडियो। हो सकता है कभी कभार कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो गई तो एक दो दिन का गैप हो जाए, नहीं तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने हमें कितना मिस किया। वैसे आप लोगों के मैसेज जो है काफ़ी दिनों तक आते रहे, लेकिन बस थोड़ा सा हम इसलिए और निश्चिंत हो गए थे क्योंकि बाकी तो सारी अपडेट जो है दिव्या के वीडियो से आप लोगों को मिलती ही रहती थी। तो बस इसीलिए थोड़ा सा हम निश्चिंत थे क्योंकि आप लोगों को पता था कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक हैं, सारी चीज़ें। बस इसीलिए सब सारी परेशानियाँ, सारी उलझनें, सारे काम, सारा आना जाना सब खत्म हो गया है। रूम भी मिल गया है और रूम शिफ्ट भी कर लिया है। सामान अभी ऐसा ही रखा है, अब कल से कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे और सामान लगाएंगे अपने नए घर पर जो है सामान लगाएंगे, और साथ साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाएंगे। तो आप लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। है हमारा नया घर, तो अभी एकदम से ये खाली है, इसका हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना लिया है। तो ये है पहले वाला कमरा, और इसमें इधर एक खिड़की लगी हुई है, तो ये काफ़ी खुला है और काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें जो लोग पहले रहते थे उन्होंने अपने हिसाब से कहीं पे कुछ लगा लिया है, कहीं पे कुछ लगा है, तो इसमें बहुत कुछ अभी सफाई भी करनी है, कुछ चीज़ें भी हटानी हैं, अपने हिसाब से करनी है। तो इस घर में दो रूम हैं, तो ये पहला वाला रूम है और एक इधर ये लंबी सी गैलरी है, और गैलरी में साइड में ये किचन है। तो यहाँ भी अभी बहुत सारी सफाई करनी है, और इसमें भी एक ये खिड़की लगी हुई है। इसमें खिड़कियाँ और दरवाजे बहुत अच्छे से लगे हैं, खूब सारी रोशनी आती है। और इधर गैलरी से अंदर जाएंगे तो इधर साइड में एक वॉश बेसिन लगा हुआ है हाथ मुँह धुलने के लिए, और इधर साइड में बाथरूम है। बाथरूम भी मतलब अभी कुछ ज़्यादा क्लीन नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा सामान भी इसमें लगा हुआ है, इसको भी अभी अच्छे से साफ़ करना है। ज़्यादा अच्छा बाथरूम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, साफ करके इसको अच्छे से बना लेंगे। और ये है अंदर वाला रूम, इसमें भी जो है दोनों तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं, तो खिड़कियों से बहुत अच्छी हवा आती है और रोशनी भी आती है। मतलब बंद वाला कोई सिस्टम नहीं, एकदम खुला, बहुत अच्छा मकान है। और दोनों तरफ गेट में जाली के भी गेट,
ये था हमारे घर का छोटा सा हाउस टूर जो हमने आप लोगों के लिए बना लिया था खाली घर का। अब हम लोग जैसे जैसे सामान लगाते जाएंगे उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे, और जब पूरा घर हमारा तैयार हो जाएगा फिर हम आपके लिए पूरा सा हाउस टूर बनाएंगे। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा नया घर आपको कैसा लगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।